Hello students, in previous lecture we had seen about exercise 2.2. Now today we are going to start exercise 2.3 and it is also important for exam. तो यहाँ पे ध्यान देना, आपकी एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक सम तो होगा ही मेथड का, तो ध्यान देना, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। सबसे पहले ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सम दो से तीन मेथड से हो सकते हैं, बट हम जो अभी आपके लिए सबसे इजी मेथड है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नाउ सी, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय, ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको हमें पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो टॉपिक है उसका नाम है डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हम डिजिट्स का डिवीजन करते हैं वैसे ही हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे, बट ये बहुत ही इजी मेथड से हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल को हम नेम दे देते हैं पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। व्हाट वी हैव टू फाइंड, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन से, तो यहां पे लिखेंगे फॉर एक्स प्लस वन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो फाइंड करेंगे, कैसे, तो यहां पे हम लेंगे एक्स प्लस वन, जीरो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस वन, एक्स की वैल्यू हमें मिली माइनस वन, इसकी वैल्यू हम किस में पुट अप करेंगे, पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट अप करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान देना। तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, जहां कहीं भी एक्स लिखे हम क्या रखेंगे, माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अभी आपको पता है कि माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर में पावर है तो वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ही रहेगी, और अगर इवन नंबर में पावर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वन प्लस थ्री, वन सा थ्री बट प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये पावर कौन से नंबर में है, इवन नंबर में, तो इवन नंबर हो तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ऑड नंबर में पावर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए, माइनस वन थ्री वन सा थ्री माइनस थ्री प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कट, प्लस थ्री माइनस थ्री कट, तो आंसर इज जीरो। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, दस द रिमाइंडर इज, दस द रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है। सेम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम, सेकेंड क्वेश्चन किसके लिए है, फॉर एक्स माइनस वन बाय टू, तो यहां पे लिख लीजिए फॉर एक्स माइनस वन बाय टू, तो एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो लेंगे पहले, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। Now what we have to do, we have to put the value of polynomial, we have to put this value in the polynomial, ठीक है। तो p of 1 by 2, पहले polynomial लिख लो ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, यही polynomial को हमें सभी से डिवाइड करना है 1 by 1, ठीक है। Now 1 by 2 का cube plus 3 वन बाय टू का स्क्वायर प्लस थ्री वन बाय टू प्लस वन, ठीक है। तो वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, प्लस थ्री वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, प्लस थ्री वन सा थ्री बाय टू प्लस वन, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट, वन बाय एट प्लस थ्री वन सा थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाय टू
प्लस वन, वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो अभी हम वन लिख लेते हैं। अभी आपको पता है कि जब भी तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर को सेम करने का, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, एलसीएम लेके तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, 4 और 8 का, ठीक है। तो 2 से होगा 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, देन अगेन 2 से 1, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 से 1 1 1, तो एलसीएम क्या आया हमारा 2 2 4, 2 8। तो यहाँ पे हमने सबके नीचे क्या लाना पड़ेगा, 8। सी यहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी 8 है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस 3/4। यहाँ पे 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3/2। यहाँ पे 8 लाने के लिए 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 8, अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे होगा, 1 के टेबल में 8 कब आएगा, 1 8 8, ठीक है। नाउ सी 1/8 प्लस 3 2 6, 4 2 8, 3 4 12, 4 2 8, 8 1 8, 8 1 8। नाउ डिनोमिनेटर सबके सेम तो डिनोमिनेटर हम वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, तो सी 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27/8, इट इज अवर P of 1/2, ठीक है। P of 1/2 की वैल्यू क्या मिली, 27/8। नाउ सी वैसे हम कौन सा करेंगे, थर्ड वाला, फॉर एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे तो डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम पॉलीनोमियल में एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है पॉलीनोमियल, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1। नाउ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, जो हमें एक्स की वैल्यू मिली वो, तो पी ऑफ 0 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 0, 0 के साथ कोई भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 1। सो आंसर इज P of 0 is equal to 1। But students, same fourth one x plus pi के लिए करेंगे। Now see here, for x plus pi, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x plus pi is equal to 0, so x is equal to क्या होगा, -pi, got it। now instead of x we have to put p of -pi, see x का क्यूब तो क्या होगा, -pi का क्यूब प्लस 3 x का स्क्वायर -pi का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -pi प्लस 1 है सिंपल। जहां कहीं भी आपको x लिखे आपने क्या रखा, pi। नाउ सी यहाँ पे पावर और नंबर में तो आंसर नेगेटिव, -pi प्लस 3, -pi का स्क्वायर pi स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3pi प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा, -pi प्लस 3pi स्क्वायर माइनस 3pi प्लस 1, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, -pi प्लस 3pi स्क्वायर माइनस 3pi प्लस 1, तो ये है हमारा आंसर, क्योंकि इसका आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। देन लास्ट वन 5 प्लस 2x, तो क्या करेंगे हम,
यहां पे लिखेंगे पहले फॉर फाइव प्लस टू एक्स, नाउ टेक फाइव प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू, गॉट इट, x की वैल्यू मिली हमें x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, ना रूट वैल्यू इन पॉलीनोमियल तो p ऑफ माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, c x का क्यूब, x की वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस वन। नाउ सी यहां पे माइनस है, ऊपर पावर ऑड नंबर में है तो ये किस में रहेगा माइनस में, ये क्यूब इसे भी मिलता है, न्यूमरेटर को भी मिलता है, डिनोमिनेटर को भी मिलता है, सो इट बिकम्स माइनस 125 डिवाइड बाय 8 प्लस 3, ये स्क्वायर इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है 3 5 15 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, अगेन हम 1 लिख लेते हैं, देन माइनस 125 डिवाइड बाय 8 प्लस 25 थ्री जा 75 डिवाइड बाय 4 माइनस 15 बाय 2 प्लस 1 बाय 1। इसके पहले की इक्वेशन में ऐसा ही था कि 2, 4 और 8 डिनोमिनेटर में था, तो हमने एलसीएम फाइंड किया था, कितना आया था एलसीएम 8 आया था, तो अगेन यहां पे भी क्या होगा एलसीएम 8, बट इन फर्स्ट टर्म इन डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 इज देयर, तो यहां पे हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस 75 डिवाइड बाय 4, 4 के टेबल में 8 कब आएगा 4 2 सा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 15 बाय 2, 2 के टेबल में कब आएगा 4, 2 के टेबल में कब आएगा 2 4 सा 8, ठीक है प्लस 1 डिवाइड बाय 1, 1 के टेबल में कब आएगा 1 मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, सो माइनस 125 बाय 8 प्लस 75 टू सा 150 डिवाइड बाय 8, 15 4 सा 60 डिवाइड बाय 8, 8 वन साइड डिवाइड बाय 8, ठीक है, नाउ सी सबके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, यहां से यहां लिख रहा हूं मैं 8, 8 वन टाइम लिखो माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8, नाउ माइनस माइनस का एडिशन करेंगे पहले, तो सी माइनस 125 माइनस 60 को साथ में ले लो 150 प्लस 8 क्या होगा 158 डिवाइड बाय 8, माइनस माइनस प्लस तो ये क्या होगा माइनस 185 प्लस 158 डिवाइड बाय 8, नाउ प्लस माइनस माइनस यहां पे देखिए 185 प्लस 158 15 माइनस 8 7 यहां पे 2 साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो आंसर इज माइनस 27 बाय 8, ठीक है, और ये मेथड को हम क्या बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड, ठीक है, तो ये दो तीन तरीके से हो सकता है बट ये इजी मेथड है, तो आपको ये याद रखना है, और आपको अगर दूसरे मेथड भी अच्छे लगते हैं तो आप वो मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Now see student question number 2, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus 8 is divided by x minus 8, किससे डिवाइड करना है पॉलीनोमियल को x minus 8, यहां पे लिखेंगे for x minus 8, तो x minus 8 को हम क्या करेंगे सबसे पहले x minus 8 is equal to 0, ये minus 8 इस साइड जाएगा, so x is equal to 8, now we have to find remainder, तो हम क्या करेंगे पॉलीनोमियल लिख लो पहले p of x is equal to x cube minus ax square plus 6x minus 8,
नाउ इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव टू पुट ए, सो ए का क्यूब माइनस ए, यहाँ पे क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, ठीक है। नाउ सी ए का क्यूब ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर अगेन ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, ठीक है। प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट, सिक्स से में से ए जाएगा तो फाइव ए, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, दस द रिमाइंडर इज फाइव, ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। किसके लिए चेक करना है, सेवन प्लस थ्री एक्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेवन प्लस थ्री एक्स को जीरो ले लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो एक्स की वैल्यू हम किस पे रखेंगे, जो हमें पॉलीनोमियल दिया है उसमें। इफ आंसर इज जीरो देन इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल गॉट इट, एंड इफ आंसर इज नॉट जीरो देन इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। अगेन ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर हमें आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, देन इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल, और अगर हमें आंसर जीरो नहीं मिल रहा है दैट मींस इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले सेवन प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो थ्री एक्स ये सेवन इस साइड जाएगा, इट बिकम्स माइनस, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई थ्री, गॉट इट। एक्स की वैल्यू हमें माइनस सेवन बाई थ्री मिल गई। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, we have to put the value of x in this polynomial, so p of minus 7 by 3, so p यहाँ पे क्या होगा minus 7 by 3 का क्यूब plus 7 into minus 7 by 3, got it। ये 3 हम 7 को भी देंगे 3 को भी देंगे, तो 3 यहाँ पे 7 का क्यूब क्या होगा minus 3 4 3, अगर आपको नहीं आता है तो आप कैसे करोगे, 7 multiply 7 multiply 7 माइनस है तो माइनस माइनस, ठीक है। थ्री का स्क्वायर सॉरी थ्री का क्यूब 27, ठीक है। और यहां पे पावर ऑड नंबर में है तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, सेवन सेवन सा 49 डिवाइड बाय 3, थ्री नाइन सा 27, सो इट बिकम्स माइनस 343 बाय 9 माइनस 49 बाय 3। अगेन हियर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट इन बोथ दी टर्म, सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम 9 एंड 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इट इज 1, सो एलसीएम इज 9, ठीक है। तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 9 लाना है, सो माइनस 3 बाई 4 3 4 3 बाय 9, यहां पे ऑलरेडी 9 है, ठीक है। एलसीएम भी हमें क्या लाना था 9, बट यहाँ पे 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस 49 बाई 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस 3 बाई 343 बाई 9 माइनस 9 3 सा 27 2 3 4 सा 12 प्लस 2 14 बाई 9, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम माइनस 343 माइनस 147, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 4, तो हमें आंसर क्या मिला 490 अपॉन 9, हमें आंसर 0 मिला नहीं, आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, सो क्या होगा इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। यहां पे लिखेंगे हियर
p ऑफ माइनस सेवन बाई थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।